करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक को लेकर यह अपडेट मिल रहा है, बैठक खत्म हो गई है, कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मोहर लगी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश पर चर्चा हुई। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को लेकर चर्चा हुई है, कई अहम मुद्दों पर मोहर लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट की बैठक को लेकर यह खबर मिल रही है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश पर चर्चा इस बैठक में हुई। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को लेकर भी चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश पर चर्चा कैबिनेट की इस बैठक में हुई। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई है। कई अहम मुद्दों को लेकर मोहर इस बैठक में लगी है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। भोपाल से संवाददाता ब्रजेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ब्रजेश, क्या कुछ कैबिनेट की इस बैठक में रहा और अभी मंत्रियों के साथ जो चर्चा मुख्यमंत्री की चल रही है उस बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में करीब एक घंटे चली है फिलहाल और इस बैठक में किसानों के हित के साथ साथ कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि अब सरकार जो है वो गरीबों को यानी कि राशन कार्डधारियों को, ईडब्ल्यू कैटेगरी में आने वाले लोगों को और किसानों को बिजली पर सब्सिडी देगी। लगातार बिजली के दाम बढ़ने की खबरें आ रही थी, 1 अप्रैल से ही विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाए थे और उस पर सरकार सब्सिडी देने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा किसानों को कर्ज मुक्ति योजना पर भी विचार किया गया है। इसके लिए छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक जो है उनको कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए श्रम विमुक्ति विधेयक को मंजूरी मिली है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की निकासी के लिए एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए वित्त जारी किया गया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन के लिए फराज मेडिकल व्यवस्थाएं अलग की गई है और वहां से जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, कामकाजी व्यवस्थाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए अलग कैडर बनाया गया है। तो ये तमाम चीजें कैबिनेट की बैठक में इनको मंजूरी मिली है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री अभी अभी तमाम मंत्रियों से अलग से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसी बात को लेकर के है कि नगरीय निकायों के चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह दुरुस्त की जाए, तमाम सरकारी योजनाओं को किस तरह इंप्लीमेंट कराया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजना का लाभ किस तरह मिले और नगरीय चुनाव निकायों के चुनावों में जो ओबीसी का मुद्दा है उसको लेकर सरकार की और बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत लगातार जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका ब्रजेश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता ब्रजेश जैन को आप सुन रहे थे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस बात को लेकर ब्रजेश ने अहम जानकारी दी है। कई मुद्दों पर दरअसल चर्चा कैबिनेट की इस बैठक में हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, कैबिनेट की बैठक को लेकर, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हुई। बैठक के बाद सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री चर्चा भी कर रही हैं। आंगनबाड़ियों से के इस अभियान को बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार का केंद्र है आंगनबाड़ी, वहां खेलकूद की गतिविधियां भी, वहां स्वास्थ्य संबंधित एक्टिविटीज भी और पोषण आहार भी, इन तीनों। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इसलिए आज विश्वास सारंग जी बैठे हैं, उनके क्षेत्र में तय किया, भूपेन जी भी यहाँ बैठे, प्रभारी मंत्री है और उनके क्षेत्र में अशोका गार्डन में आज में शाम को 5 बजे लगभग 5:30 के बीच में निकलना है, जनता से आह्वान करने के बच्चों के सामान को, तो वो सामान प्रतीकात्मक इकट्ठा होगा, लेकिन उसके बाद केवल मैं नहीं, हम इसको जन अभियान बनाएंगे।
खाने का सामान, चेक भी दे सकते हैं कि आंगनबाड़ी के लिए अलग अलग तरह की चीजें, कोई वाटर कूलर दे सकता है, कोई अपन आज बिजली के बारे में व्यवस्था कर लेंगे, घर आंगनबाड़ी में बिजली का कनेक्शन उसके बारे में भी आज समूचे तय कर लेंगे। सौर ऊर्जा भी हो सकती है, देर लगे तो ये देखेंगे। तो खेलकूद की सामग्री, भोजन सामग्री में चेक भी दे सकते हैं, अनाज दान गांव में अपन अपील करें अनाज दान करें उसके लिए दे सकते हैं, कुछ लोग दे सकते हैं जो जरूरत हो ले लो, कुछ लोग जब आप आंगनबाड़ी उससे बिजली की जरूरत है टीवी वाटर कूलर अलग अलग चीजें, कुछ ये भी हो सकता है कि भवन नहीं है तेजी से हम लोग भवन बनाएंगे माता पिता की स्मृति में कमरा बनवाएंगे, अलग अलग तरीके से जिसकी जो समर्थ हो। लेकिन मूल भाव ये है कि भावनात्मक रूप से जनता जुड़ जाए कि हमारे बच्चे हैं तो बच्चे स्वस्थ रहे हमारी ड्यूटी है, मेरे गांव का बच्चा अंडर वेट नहीं रहेगा, मेरे गांव का बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, मेरे वार्ड में जो आंगनबाड़ी से शहर था वहां बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। इस अभियान से जनता जुड़ेगी तो एक साल में चमत्कार हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और जब जनता जुड़ेगी देखेगी, चक्कर भी लोग वहां लगा सकते हैं, किसी हम ये भी अपील कर सकते हैं कि आपके बेटे के जन्मदिन हो तो आप आंगनबाड़ी के बच्चों को खिला पड़ेगा, क्या दिक्कत है, उन स्मृति में भी खिला सकते हैं, अलग अलग कई रूप हो सकते हैं उसके जन्मदिन के अलग अलग तरीके। लेकिन भावनात्मक रूप से लोग अगर जुड़ गए तो मेरा पूरा विश्वास है कि कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने में हम लोग सफल हो जाएंगे और स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार तीनों चीजों से आगे बढ़ेंगे। तो आज चूंकि मन में आ सकता है कि मुख्यमंत्री को क्या समझाते हैं, लेकिन करूंगा लोग कभी भी कर सकते हैं, धनी दिन को करना है जब कोई हाथ के लिए खाएंगे मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये जन अभियान है वास्तव में एक पवित्र उद्देश्य से जनता को जोड़ने का अभियान, और इस अभियान में श्री राजक भी जोड़ा कि बाकी सब लोग भी योगदान करें, और जरूरी नहीं कि ऐसे निकले लेकिन निकल सकते लोग, पार्टी के कार्यकर्ता निकल सकते हैं, चीजें इकट्ठी करें और जमा करते हैं आंगनबाड़ी लोग जन्मदिन और पुलिस स्मृति उसके लिए दे सकते हैं, हमारी आज माता जी की स्मृति में खिलाएंगे, हमारे हमारे पिताजी की स्मृति में खिलाएंगे, हम ये सामान देंगे। मुझे लगता है कि देखते ही देखते चमत्कार हो सकता है, इसलिए मैंने आपकी जानकारी में लेना चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।